हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक मंगल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कल हमने जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। और उसके अलावा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा हेलो अल्केन्स के बारे में, देन हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा हेलो अरीन्स के बारे में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है हेलो अल्केन्स, और हेलो अल्केन्स ही अब हमारे आने वाले दिनों में चलेगा। ठीक है ना, तो हेलो अल्केन्स के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हेलो अल्केन्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा, और उसके अलावा देन आप ये ध्यान रखना हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं हेलो अल्केन्स। कल देखिए, कल मैंने आप लोगों को हेलो अल्केन्स का जनरल इंट्रोडक्शन सिखाया था। ठीक है ना, कि हेलो अल्केन्स जो है, हेलो अल्केन्स के जनरल फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपको मोनो हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाना है, आपको डाई हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाना है, आपको ट्राई हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाना है, तो तरीके क्या होते हैं, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हेलो अल्केन्स के बारे में एक तो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं और आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर देन हम उसके बाद पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेलो अल्केन्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। बच्चों, कल एक तो हमने पढ़ा था कि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हेलो अल्केन्स का, वो क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स। ठीक है, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हेलो अल्केन्स का वो क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स। यहां पे अगर मैं x के बारे में देखूं तो x का मतलब क्या है, यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन, मतलब हेलोजन्स। ठीक है, तो कल ये देखा था अपन ने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो जो हेलो अल्केन्स है, वो कितने टाइप के हो जाएंगे, चार टाइप्स के। ठीक है, जो हेलो अल्केन्स है, कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो आर बॉन्ड एफ मतलब फ्लोरो अल्केन, देन आर बॉन्ड सीएल मतलब क्लोरो अल्केन, देन आर बॉन्ड बीआर मतलब ब्रोमो अल्केन, एंड देन आर बॉन्ड आई मतलब आयोडो अल्केन। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से, फ्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन, तो ये चार तरह के अल्केन्स हैं, हेलो अल्केन्स है, सॉरी। ठीक है, फ्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन, तो ये चार तरह के अपने हेलो अल्केन्स हो जाएंगे। अब यहां पे हम इसके बारे में दो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हेलो अल्केन के अंदर। पहले तो हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, और एक देन आपको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपन बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलो अल्केन्स, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ हेलो अल्केन्स, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ हेलो अल्केन्स। एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसे लेते हैं अपन, अरेंज द फॉलोइंग, हेलो अल्केन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
their bond length in increasing order of their bond length. यहां पे आपको हेलो एल्केन्स दिए हुए हैं और ये जो हेलो एल्केन्स है आपको बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने हैं. क्या दिए हुए हेलो एल्केन्स तो देखना अच्छे से. CH3 bond FCl CH3 bond Br and CH3 bond I. ये चार हेलो एल्केन्स है अपने पास. ठीक है, ये ध्यान रखना CH3 bond F CH3 bond Cl CH3 bond Br and CH3 bond I. अब इसके अंदर आप लोग देखिए कि जो अल्केन की जो चेन है अल्काइल ग्रुप वो सेम है चारों के अंदर मिथाइल. ठीक है, यहां पे अगर मैं R की बात करूं तो R यहां पे क्या है मिथाइल ग्रुप. ये तो सभी में सेम है, ठीक है ना, ये सभी में सेम है. अब आपको यहां पे क्या करना है, चारों के चारे हेलो एल्केन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ के अंदर अरेंज करना है. तो देखिए बच्चों तरीका क्या रहेगा अपना, ठीक है ना, देखना अच्छे से. अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि जैसे चारों के सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे चारों के अंदर CH3 तो कॉमन है. अब बच्चों चारों के अंदर CH3 कॉमन है तो CH3 को तो हम हटा दें, क्योंकि CH3 तो चारों के अंदर कॉमन है तो बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने में इसका कोई रोल नहीं होगा. CH3 के साथ जो अटैच है वो कौन है अपने हैलोजन एटम. ठीक है, और यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो चारों के चारों हैलोजन एटम अलग है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन एंड आयोडीन. मतलब जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यहां पे कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे, अल्केन्स के अलावा हैलोजन्स रेस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है ना, जो हैलोजन्स होंगे हैलोजन्स अपने वो एटम से यहां पे जिसकी हेल्प से हम बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहां पे आपको क्या करना है, ये जो हैलोजन्स है इन हैलोजन्स को देखते हुए आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जमाना है, क्योंकि CH3 तो चारों के अंदर कॉमन है. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है. तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, मतलब जो दो एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाए हुए हैं उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उन दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ. तो यहां पे हमें क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को चेक करना है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ हम कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ का मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो दो एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे. अब देखिए इधर सबसे पहले तो बात करें अपन CH3F के अंदर कार्बन के साथ कौन अटैच है, फ्लोरीन. CH3Cl के अंदर कार्बन के साथ कौन अटैच है, क्लोरीन. CH3Br के अंदर कार्बन के साथ कौन अटैच है, ब्रोमाइन. और CH3I के अंदर कार्बन के साथ कौन अटैच है, आयोडीन. ठीक है, यहां पे कार्बन के साथ कौन अटैच है, फ्लोरीन. यहां पे कार्बन के साथ कौन अटैच है, क्लोरीन. यहां पे कार्बन के साथ कौन अटैच है, ब्रोमाइन. और यहां पे कार्बन के साथ कौन अटैच है, आयोडीन. ठीक है, ये ऊपर का हटा रहा हूं मैं. अब देखना बच्चों यहां पे कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच है, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमाइन और यहां पे आयोडीन. कार्बन तो चारों में सेम है. अब यहां पे अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें चारों हेलोजन की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन एंड आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप जाने पे आपको पता होगा एटॉमिक साइज लगातार इंक्रीज होती है, बढ़ती है. और अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट नंबर ऑफ शेल से भी कंपेयर कर सकते हो. नंबर ऑफ शेल्स, फ्लोरीन के अंदर कितने शेल होती है, दो. क्लोरीन के अंदर तीन, ब्रोमाइन के अंदर चार और आयोडीन के अंदर पांच.
तो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ शेल के साथ साथ क्या बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। अब इसका इफेक्ट आपको डायरेक्ट किस पे देखने को मिलेगा, बॉन्ड लेंथ पे। कैसे देखने को मिलेगा, तो देखना अच्छे से। देखना अच्छे से, जैसे ये तो बनाया बच्चों मैंने कार्बन, ठीक है। कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन में भी कितनी शेल होती है, दो शेल होती है। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में भी लगभग दो ही शेल, मतलब फ्लोरीन भी लगभग सेम साइज का होता है और फ्लोरीन में भी कितनी शेल है, दो शेल है, ठीक है। तो कार्बन एंड फ्लोरीन, आपको अगर पीरियोडिक टेबल के अच्छे से नॉलेज हो तो आप लोगों ने सीखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड नंबर टू है, कार्बन एंड फ्लोरीन दोनों के दोनों उसी के मेंबर है। तो दोनों के दोनों सेम पीरियड के मेंबर है, इसलिए दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ शेल होगी। कितनी होगी, दो शेल। क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड के मेंबर है, ठीक है। अब यहां पे दोनों का साइज लगभग बराबर ही है, ये इन दोनों के न्यूक्लियस और ये उन दोनों के बीच की गैप, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब इन दोनों को अवॉइड करते हुए मैं सीधा आयोडीन ले रहा हूं। ये तो है बिल्कुल जरा सा छोटा मोटा प्यारा सा आइटम कार्बन, और कार्बन के सामने अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो कार्बन में कितनी शेल है बच्चों, दो शेल। कार्बन में कितनी शेल है, दो शेल। और वहीं पे अगर अपन आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में कितनी शेल है, सीधी पांच शेल। मतलब आयोडीन जो होगा वो कार्बन के कंपेयर में काफी बड़ा होगा, ठीक है। आयोडीन जो होगा वो कार्बन के कंपेयर में काफी बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर कितनी शेल होगी, पांच शेल होगी। अब ये होगा उसका सेंटर। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे तो बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा छोटी है, और यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी इन केस ऑफ सी बॉन्ड एफ, एंड यहां पे जो सी बॉन्ड आई, इसके केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, फाइनली CH3 बॉन्ड एफ, CH3 बॉन्ड CL, CH3 बॉन्ड BR एंड CH3 बॉन्ड I, ये होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे, CH3 तो चारों में कॉमन है, जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो एटम में लगातार नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से हेलोजन एटम का साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और हेलोजन एटम का साइज बढ़ने की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे आप अच्छे से रीजन लिख सकते हो इसका, ठीक है ना। देख लेना आप लोग क्वेश्चन अच्छे से, रीजन क्या चला जाएगा यहां पे, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पे अपने फ्लोरीन से लेके आयोडीन की अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन की तरफ लगातार हेलोजन एटम का जो साइज है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो बच्चों ये था सबसे पहले हेलो एल्केन्स के अंदर बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट, ठीक है। जो चारों के चारों जो हेलो एल्केन्स होते हैं, उन चारों के चारों हेलो एल्केन्स के अंदर बॉन्ड लेंथ का जनरल ऑर्डर क्या होगा, ये आपको अच्छे से अब समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट हेलोजन एटम के साइज को देख के ये बात समझ सकते हो गया होगा आप लोगों को क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ये
नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है बच्चों, देखना अच्छे से। सबसे पहले तो कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, मतलब जो अल्केन होते हैं जो कि एक तरह के हाइड्रोकार्बन है, उन अल्केन्स की हम बात करें तो उन अल्केन्स के अंदर हम क्या जोड़ देंगे, हेलोजन जोड़ देंगे। तो जब आप उन अल्केन्स के अंदर हेलोजन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो जो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, अल्केन से हुआ है। बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल से तरीके से बता रहा हूं आपको ये बात। हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, अल्केन से हुआ है। अल्केन क्या है, एक तरह के हाइड्रोकार्बन। अल्केन क्या है, एक तरह के हाइड्रोकार्बन। आपने उसके अंदर, अच्छा अल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या था, आर बॉन्ड एच। आपने अल्केन में से क्या किया था, हाइड्रोजन को हटाया था, और हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ा था आपने, हेलोजन, जो कि चार तरह के हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन या फिर आयोडीन। और आप लोगों ने क्या बना दिया था देन, हेलो अल्केन, आर बॉन्ड एक्स। अब सबसे पहले तो जो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स में अपन आपस में रिएक्टिविटी को कंपेयर करने से पहले अल्केन और हेलो अल्केन के बीच में रिएक्टिविटी को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखना अच्छे से, रिएक्टिविटी कंपेरिजन, रिएक्टिविटी कंपेरिजन किसके बीच में, अल्केन और हेलो अल्केन्स के बीच में। समझना, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, अल्केन्स और हेलो अल्केन्स के बीच में रिएक्टिविटी का अपन कंपेरिजन कर रहे हैं। तो बच्चों अल्केन्स क्या है, आर बॉन्ड एच। ठीक है, और एक बात आप याद रखना, आप लोगों को 11th क्लास में सिखाया गया है ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों ने वहां पे सीखा है पोलराइजेशन, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी आप लोगों ने वहां पे दो कंडीशन सीखी है, बॉन्ड जो होते हैं वो दो बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोलैरिटी क्या होगी, एब्सेंट होगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल कौन होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल की हम बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल जैसे कि सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, O2, H2 जिसके अंदर सेम एटम होते हैं। ठीक है, सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अल्केन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बच्चों, अल्केन क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन। अब अल्केन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है तो सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन पोलर, क्या है ये, नॉन पोलर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी तीन तरह की वेराइटी होती है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। मेन तो एरोमेटिक पूरा अलग है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, लगातार पोलैरिटी बढ़ती है, अल्काइन की पोलैरिटी ज्यादा होती है अल्केन एंड अल्किन के कंपेयर में। क्यों, एस कैरेक्टर की वजह से, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, वो अभी बात की बात है, फिलहाल तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो अल्केन होते हैं, अल्केन एक तरह के हाइड्रोकार्बन है, और मैंने आपको क्या बोला कि जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर है। और एक बात आप ध्यान रखना, जो भी नॉन पोलर होता है उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। ठीक है, जो भी नॉन पोलर होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफी कम होती है। तो अल्केन्स की हम बात करें तो अल्केन्स क्या होते हैं, काफी लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं, काफी लेस रिएक्टिव होते हैं, आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसका अगर अपन एग्जांपल ले जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे के सारे प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं। ठीक है, और बच्चों ये इतनी ज्यादा आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा कि जो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें जो है ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये जो एलिमेंट होते हैं ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा तेजी से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और
अगर आप इनको थोड़ा सा एयर में खुला भी छोड़ दो तो ये एयर के साथ तेजी से रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं जो कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये अगर ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनको आप थोड़ा सा भी एयर के अंदर खुला छोड़ दोगे तो वो एयर के साथ तेजी से रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। और उसी की वजह से जो ग्रुप नंबर वन के जो एलिमेंट होते हैं तभी भी उनको खुला नहीं छोड़ा जाता, उनको हमेशा केरोसिन वगैरह में रखा जाता है। अब केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्या खास बात है केरोसिन में ऐसी? तो बच्चों केरोसिन जो होता है, सुनना अच्छे से, केरोसिन जो होता है वो एक तरह का अल्केन है, या फिर ज्यादा करेक्ट मैं बोल सकता हूं कि केरोसिन जो है वो एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, केरोसिन क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। तो अगर आप ग्रुप नंबर वन के जो एलिमेंट होते हैं अल्कली मेटल, अगर आप उनको पेट्रोल या केरोसिन में डाल दोगे तो फिर वो ग्रुप नंबर वन का जो मेटल है अल्कली मेटल वो इतने ज्यादा आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए अपन उसे केरोसिन में रखते हैं। तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स की यदि मैं बात करूं तो अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, काफी लेस रिएक्टिव होते हैं। आगे होगा अच्छे से समझ में, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ा दिया है। देखो इधर हो गया ना, ये तो क्लियर अल्केन्स। तो अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है, मतलब काफी लेस रिएक्टिव है। अब अगर मैं हेलो अल्केन्स की बात करूं तो बच्चों देखो हेलो अल्केन्स में क्या हुआ, अच्छे से देखना। हेलो अल्केन्स की मैं बात करूं तो हेलो अल्केन्स में कार्बन की चेन के साथ कौन जुड़ चुका है, हेलोजन। और अगर मैं हेलोजन्स की बात करूं, हेलोजन्स तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब देखो हेलो अल्केन में क्या होगा, सुनना अच्छे से। अगर मैं हेलो अल्केन्स की बात करूं तो हेलो अल्केन्स के अंदर क्या होगा, बेटा यहां पे तो कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन थे और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसकी वजह से ये सब नॉन पोलर है। जबकि मैं यहां पे क्या देख सकता हूं कि जो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें कार्बन के साथ कौन अटैच हो चुका है, हेलोजन। ठीक है, जो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें कार्बन के साथ कौन अटैच हो चुका है, हेलोजन अटैच हो चुका है। ठीक है बच्चों, जिसमें कार्बन के साथ कौन अटैच हो चुका है, हेलोजन। ये जो बॉन्ड है ये पोलार है, ये क्या है, पोलार बॉन्ड, मतलब इसमें पोलैरिटी मौजूद है। पोलैरिटी क्यों मौजूद है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पोलार बॉन्ड है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, और भी कुछ कंडीशंस होती है पोलैरिटी को देखने की, इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर थोड़ा सा ढंग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कार्बन और हेलोजन जो है ये एक दूसरे से अटैच है और ये वाला जो बॉन्ड है ना यहाँ पे ये पोलार बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैं हेलोजन के ऊपर क्या शो कर सकता हूँ, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या शो कर सकता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हेलो अल्केन्स है ये पोलार मॉलिक्यूल्स है और पोलार मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। तो अगर आपसे यहाँ पे रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करवाया जाए कि अल्केन और हेलो अल्केन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो आंसर क्या जाएगा, हेलो अल्केन्स। आगे होगा आप ये लोगों को समझ में, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना, देखना सुनना अच्छे से। इधर बच्चों जो अल्केन होते हैं, अल्केन एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं और जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं ना उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि जो अल्केन्स है सारे के सारे वो नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफी कम होती है। जबकि हेलो अल्केन्स में क्या होता है, तो हेलो अल्केन्स में हेलोजन लगने की वजह से, हेलो अल्केन्स में हेलोजन लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हेलोजन लग गया तो हेलोजन लगने की वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है अब इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जब आप यहाँ पे हेलोजन लगा दोगे
तो हेलोजन लगने के बाद जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलार हो जाएगा, और पोलार मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अल्केन और हेलो अल्केन्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हेलो अल्केन्स होते हैं। अब देखिए, ठीक है, ये आगे होगा आप लोगों को समझ में, देख लेना आप लोग अच्छे से। अब देखना बच्चों, यहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूं मैं, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग हेलो अल्केन्स, अरेंज द फॉलोइंग हेलो अल्केन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर reactivity, arrange the following halo alkanes in increasing order of their reactivity। मतलब halo alkanes आपको देके रखेंगे और वो जो halo alkanes है उन halo alkanes को आप क्या करोगे, reactivity के increasing order में जमाओगे। तो कौन कौन से halo alkanes है देखना अच्छे से, R bond F, R bond Cl, R bond Br, R bond I। ठीक है, वापस ओके वही है, चार हेलो अल्केन है अपने पास, चारों के चारों हेलो अल्केन को आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब कौन ज्यादा आसानी से रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सुनना अच्छे से, जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसे तोड़ा जाएगा। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जब कोई भी मॉलिक्यूल करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने 9th 10th क्लास से सीखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब रिएक्शन परफॉर्म करता है तो रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड्स का तो ब्रेकडाउन होता है और न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कंसेप्ट, समझना अच्छे से, कंसेप्ट क्या काम लेंगे अपन यहां पे, देखना कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये जितना ज्यादा वीक होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा आसानी से टूटेगा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा वो उतनी ही ज्यादा आसानी से टूटेगा और रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो बॉन्ड वीक, ठीक है ना, या फिर अपन ये देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा बॉन्ड मजबूत होगा बॉन्ड उतनी ही देरी से टूटेगा, और बॉन्ड जितनी ज्यादा देरी से टूटेगा मतलब जितनी ज्यादा मुश्किल से टूटेगा रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब क्या बोल गए ये हम देखो अच्छे से, यहां पर यह ध्यान रखना कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उतना ही ज्यादा आसानी से टूटेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा आसानी से टूटेगा, और जितना ज्यादा आसानी से बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा आसानी से होगी, मतलब रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां पे क्या है सुनना अच्छे से, हम इस बॉन्ड को कैसे देखेंगे कि कब बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कब बॉन्ड वीक होगा, तो आप यहां पे सीधा ध्यान रख सकते हो कि जो बॉन्ड की जो मजबूती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के। मतलब बच्चों बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना वीक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी।
मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा आसानी से हो जाएगी। आगे कंसेप्ट समझ में, आपको रिएक्शन के दौरान कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना है और ये बॉन्ड जितनी ज्यादा आसानी से टूटेगा एटम्स का रीअरेंजमेंट उतनी ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा, मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा आसानी से हो जाएगी। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अब बॉन्ड आसानी से कब टूटेगा, तो बॉन्ड आसानी से कब टूटेगा जब बॉन्ड बड़ा होगा। लो हमने सीखा है कि बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना, बॉन्ड उतनी ही ज्यादा आसानी से टूट जाता है। वो सिखाते हैं ना 11th क्लास में, बड़ी लकड़ी छोटी लकड़ी, एक लकड़ी है काफी लंबी और एक लकड़ी है छोटी सी। या फिर आप पेंसिल का एग्जांपल ले लो, एक आपके पास इतनी बड़ी पेंसिल है और एक इतनी सी पेंसिल है, कौन सी पेंसिल को ज्यादा आसानी से तोड़ दोगे, बड़ी वाली को। तो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होता है उतना ही वीक होता है, तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड उतनी ही ज्यादा आसानी से टूटेगा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पे अपने पास ये चारों हैं, आर बॉन्ड एफ, आर बॉन्ड सी एल, आर बॉन्ड बी आर एंड आर बॉन्ड आई। अभी अपन ने देखा था कि यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम आर बॉन्ड एफ टू आर बॉन्ड आई, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। आगे होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है ना, याद रखना अच्छे से। आर बॉन्ड एफ, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और आर बॉन्ड आई, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ध्यान रखना आर बॉन्ड एफ के केस में बॉन्ड सबसे छोटा होगा, बॉन्ड सबसे छोटा होगा तो बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा तो वो आसानी से नहीं टूटेगा और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर अपन आर बॉन्ड आई की बात करें तो आर बॉन्ड आई के केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी मतलब बॉन्ड सबसे लंबा होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही वीक होगा, उतना ही आसानी से टूटेगा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में अच्छे से, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्न पे जो टॉपिक चालू करेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपने लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। आप अच्छे से देखिएगा, इस पे काफी अच्छे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना इस चीज को। नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोगों को हेलोएल्केन्स के जो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेलोएल्केन, अल्काइल विनाइल एंड अलाइल हेलोएल्केन एक्सेट्रा, तो वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, बाय बाय।